हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है दीपा नेगी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से और इन खूबसूरत हसीन वादियों से। टाइम ना 9 बज चुकी हैं और आज का ब्लॉग मैं घर ही से बना रही हूँ और आज का काम भी मेरा घर ही में है। तो आज करूँगी मैं हल्दी की कुठाई, क्योंकि मैंने अपने खेत से निकाल कर लाई है। तो दो थैले हैं हल्दी के, कच्ची हल्दी, उसको ना ओखली पे कूटूंगी मैं और फिर उसको छत पर डालूंगी सुखाने के लिए। तो अभी चलते हैं हल्दी कूटने के लिए। और अभी ना मेरे ससुर जी भी आवाज़ मार रहे हैं, जो कि मतलब काफ़ी बीमार है काफ़ी समय से। तो अभी उनको ना नाश्ता पानी कराना है, बल हाथ मुंह धुलाना है। तो चलते हैं अभी आगे। तो ससुर जी आवाज़ मार रहे थे कि मुझे बल बीड़ी दो, तो बीड़ी दे दी मैंने जला के ससुर जी के पास। और कह रहे हैं कि यहीं पर रहो बल। देखिए, इस बाल्टी में रखी है मैंने हल्दी धो कर के, और ये वाली गांठे भी बना कर रखी है ऐसे। और इस ओखली पे कूटेंगे हम और फिर उसके बाद ना सुखाने के लिए छत पर डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से कूटेंगे हम इस हल्दी को। ये देखिए कितनी सुंदर हो रही है अभी। ये देखिए, इसको ना सुखाने के बाद, वो कूटने के बाद ना छत पर डालेंगे हम सुखाने के लिए। अभी इतनी बाकी है और भी अभी बहुत सारा। पहले मैं सबसे पहले इसको कूट देती हूँ। कूट रही थी यहाँ पर और हमारी दोनों डॉगी आ चुकी हैं तब तक यहाँ पर। तो कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही? एक इधर, एक इधर। ये वाले ज़्यादा ही शैतान है ये वाले। हल्दी को कूटते कूटते ना मुझे पूरे 2-2.5 घंटे हो चुके हैं और हल्दी ला गई मैं अब छत पर फैलाने के लिए। ये देखिए, 2 पल्लियों में यहाँ पर है, उधर पे भी, उधर पे भी, और इधर साइड भी, इधर पे भी। ये थोड़ा बहुत सूख चुकी है क्योंकि ये मैंने पहले कूट दी थी सुबह। अरे देखिए, जो अभी बाद में कूटी वो अभी कच्ची है, ऐसी सूखी नहीं है वो। और इधर भी इतनी सारी हल्दी है और अभी बहुत है अभी और भी कूटने के लिए। और अब 4-5 दिनों तक हल्दी ना छत पर ही रहेगी जब तक ये सूख न जाए। और इसके बाद ना अब मैं खाना बनाती हूँ और आज का खाना बनाऊँगी मैं आलू की तिजवानी और कढ़ी चावल। तो अभी चलती हूँ छत से नीचे और खाना बनाती हूँ अभी, क्योंकि टाइम भी ना 1-1.5 बज चुकी है। तो खाना भी मैंने बना दिया है और अभी मैं आपको ना अपनी दोनों डॉगी को बताती हूँ। देखिए, दोनों के दोनों ना रस्सी को उतर रही है। ये देखिए, खाली दिमाग बस शैतान का। फाइनली दोस्तों, मैं अपने मंदिर में आई हूँ घंडियाल देवता का। देखिए, पीछे दिखाई दे रहा है घंडियाल देवता का मंदिर। अरे यहाँ ना इतनी सर्दी होने के बाद भी आजकल हमारे यहाँ बहुत ही तेज़ धूप हो रही है और मैं तो ऐसे ही आई हूँ तब तक यहाँ छाँव में। और अब 2 बज चुकी है और खाना खाने की तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो में। और आज की वीडियो को करती हूँ एंड। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी ज़रूर कर देना वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।